उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। सतपुली में विकास खंड द्वारिखाल के अंतर्गत हंस अस्पताल चमोली सैंड में डॉक्टर सहित 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल हंस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव आने से आसपास दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि लगातार हंस अस्पताल में मरीजों की आवाजाही लगी रहती थी, जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। तहसील सतपुली के क्षेत्रांतर्गत स्थित हंस हॉस्पिटल में आज 8 कोरोना मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 डॉक्टर हैं तथा 6 स्टाफ हैं। 8 के 8 को हमने हंस हॉस्पिटल में ही आइसोलेट कर दिया है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है तथा पूरे हंस हॉस्पिटल के सैंपलिंग के आदेश निर्गत कर दिए। मेरी जनता से यही अपील है कि वो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा 2 गज दूरी का पालन करें। वहीं अस्पतालों में सही स्वास्थ्य सुविधा न होने की वजह से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार भले ही लाख दावे करे कि अस्पतालों में उचित इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि राजधानी देहरादून के सभी बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए एक भी बेड खाली नहीं है। परेशान कई लोगों ने उनसे फोन पर मदद मांगी। वहीं राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो तत्काल व्यवस्थाओं को सुधारे। देखिए, सरकार के लाख दावों के बावजूद पूरे देहरादून, राजधानी समेत पूरे राज्य में जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर है। इस समय आज की तारीख में पूरे राजधानी के किसी भी अस्पताल में, सरकारी दून अस्पताल से लेकर के कोरोनेशन से लेकर के निजी अस्पतालों में, बड़े अस्पताल जितने हैं, चाहे वो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल हो, चाहे महंत इंद्रेश हो, चाहे मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे सिनर्जी हो, चाहे आरोग्य धाम हो, चाहे अरिहंत हो, किसी भी अस्पताल में एक भी बेड, एक भी बिस्तर जिसमें ऑक्सीजन युक्त बेड हो, ICU हो या वेंटिलेटर हो, आज की तारीख में अभी तक, आज रविवार को 25 अप्रैल को मैं जिस समय ये बाइट दे रहा हूँ उस समय तक कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। मैं सारे डॉक्टर्स से, सारे तमाम इनके प्रबंधन से बात कर चुका हूँ, लेकिन बेड अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बार बार DG हेल्थ से भी बात कर रहा हूँ, CMO साहब से भी बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं आ रहा है, पहुँच रहा है, 3 बजे आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, लेकिन भारी कमी बनी हुई है। इसलिए राज्य की सरकार से मैं जो लगातार आग्रह कर रहा हूँ, कांग्रेस लगातार आग्रह कर रही है कि इमरजेंसी की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में बिल्डिंग्स को आपको एक्वायर करनी पड़े शहर के बीच में, आप ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU और वेंटिलेटर्स युक्त बेड आप तैयार करिए, वरना आने वाले दिनों में, कल तो 81 मौतें हो गई पूरे उत्तराखंड में, जिसमें अकेले देहरादून में 48 मौतें हैं। वहीं बात की जाए पौड़ी की, तो वहां जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ा दी है, जिससे भयावह रूप ले रहे कोरोना संक्रमण से ग्रस्त गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने पर पर्याप्त ऑक्सीजन समय पर मुहैया कराई जा सके। बता दें कि भयावह रूप ले चुका कोरोना अब तक पौड़ी जिले में 55 लोगों की जान ले चुका है। ऐसे में कोरोना का कहर और ज्यादा न बरपे, इससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडरों का स्टोरेज किया जा रहा है और इनकी सप्लाई भी डिमांड होने पर अस्पतालों को भेजी जा रही है। वहीं CMO गढ़वाल मनोज शर्मा ने बताया, फिलहाल तो ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उनके पास हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसे देखकर भविष्य में स्थिति और विकट होने के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने का पूरा जोर दिया जा रहा है। फिलहाल इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास 476 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। देखिए, अभी हमारे पास में लगभग 476 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और अभी हमने रिसेंटली IMKS में डिमांड हुई थी, तो हमने 60 सिलेंडर भरवाए थे, 40 वहाँ उनको दिए हैं, और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी हमारे पास सफिशियंट मात्रा में, और भी हमने अभी डिमांड की है। तो अभी तक हमारे इसमें कोई ऑक्सीजन की क्राइसिस हमारे जिले में नहीं आई है, और हम लगातार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारे पास बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में है, दूसरे बेस हॉस्पिटल कोटद्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले 15 दिन में जैसा कंपनी ने प्रॉमिस किया है हमें मिल जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की, और ये जो भी सप्लाई है लगातार हमें देहरादून से या ऋषिकेश से मिल रही है।
उत्तराखंड में कोरोना से स्थिति खराब है, स्वास्थ्य सेवा धरातल पर फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है तो लोगों को सावधानी बरतने की और सतर्क रहने की। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला और भगवान सिंह की रिपोर्ट।